हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप, मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका शुड में। तो दोस्तों फाइनली एसबीआई की तरफ से यहां पर वैकेंसीज आउट कर दी गई है, एसआई क्लर्क की वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें यहां पर तो आपके लिए 8134 पदों पर यहां पे वैकेंसी निकाली गई है क्लर्क की। तो गाइस इस वीडियो में टोटल डिस्कशन करने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या रखा गया है, कौन से लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या रखा गया, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम कब से कब तक है और एग्जाम क्या रखा गया, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाएंगे, टोटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरी जानकारी। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी यहाँ जो सारे आपके क्वेश्चन है डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। गाइस इसका ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं आप 3 जनवरी से, और जो लास्ट डेट रखा गया 26 जनवरी 2020 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। ये आपके सामने वैकेंसी टेबल है, आप वैकेंसी टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे मैं सर्कल की बात करूँ, जैसे अहमदाबाद सर्कल में तो स्टेट आते हैं जो गुजरात और दमन दीव वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि क्या सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और गुजरात से अप्लाई कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ जो पार्टिकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है यानी गुजराती, यहाँ टोटली दिया हुआ है तो आपको गुजराती बोलनी लिखनी पढ़नी सभी आनी चाहिए। यहाँ पर आपका गुजराती नहीं तो वहाँ पर एक लोकल टेस्ट भी होगा गुजराती लैंग्वेज का, तो आपका टेस्ट में एलिजिबल होना चाहिए। गाइस आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपकी आनी चाहिए, यहाँ पर यह जो है क्राइटेरिया रखा गया है। अदरवाइज़ यहाँ पर अपने खुद से स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं और खुद स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा सर्कल से, जो सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं और जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज एंड वैकेंसी टेबल, वहाँ कितनी कितनी वैकेंसी, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, ये टोटल आप चेक कर लीजिएगा और तभी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में जो सुविधा होगी। तो गाइज इस नोटिफिकेशन को आप पहले डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं सिंपली स्नातक हैं किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यानी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। कुछ स्टूडेंट का क्वायरी होगा सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो गाइस फाइनल ईयर वाले तो एलिजिबल नहीं है, बट 1 जनवरी 2020 से आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो आपका रखा गया टेंटिव जो 1 जनवरी 2020 को आधार डेट रखा गया। यहाँ से 20 ईयर से लेकर 28 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए। अदरवाइज यहाँ पर आपका ST SC है तो 5 ईयर्स एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप देख सकते हैं PWD एंड जनरल EWS वालों को 10 ईयर का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये मत समझिएगा PWD में जो जनरल और EWS हैं उसका भी यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी आपका 1992 से पहले का जो है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 1 जनवरी 2000 से आपका जो पहले का इसका जो बाद का नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रखा गया है 2 एग्ज़ाम होगा, यानी एक प्रीलियम्स होगा दूसरा मेंस होगा। प्रीलियम्स में आपका मार्क्स जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मार्क्स जो मेंस में ऐड नहीं होगा, आप सबको पता ही है। जो इसमें मार्क्स होगा इसका 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स पूछा जाएगा और 3 आवर का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट से आपके लिए पूछा जाएगा, तो आपका इंग्लिश रहेगा और आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, यानी इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपका 1 आवर के लिए टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मार्किंग रहेगा और टोटल 1 आपका नेगेटिव भी मार्किंग रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने में आपको 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा। अगर आप प्रीलियम्स एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका जो भी जितनी भी यहाँ पे SBI क्लर्क में जैसे वैकेंसीज आउट की गई है उसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना वैकेंसी जो कैंडिडेट को मेंस के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा एग्जाम के लिए। और मेंस का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फिर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, फिर क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रहेगा और फिर आपका रीजनिंग रहेगा। आपका जो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा एंड जो आपका रीजनिंग रहेगा वो 50 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की बात करो तो 200 क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा और जो आपके लिए टाइम है यहाँ पे फिक्स 2 घंटे का 40 मिनट यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपके लिए यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो गाइज अपना ये रहा आपका एग्जाम का जो है सिलेबस इसके अनुसार। उसके बाद गाइज अगर प्री और मेंस में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी एग्जाम होगा आपका यानी लोकल लैंग्वेज का तभी आपका एग्जाम होगा। जैसे कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और अपने 10th और 12th में आपका गुजराती सब्जेक्ट था तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बट आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते, आप झारखंड से लेकर गुजरात में एग्ज़ाम दिए हैं,
आप, लेकिन आपको गुजराती आती है बोलना, तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आपको पता चलेगा कि आपका गुजराती आती है कि लिखना पढ़ना। वो सिंपल टेस्ट होता है, वो आपको उसमें क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई कर जाते हैं तो आपको जो सिलेक्शन है वो भी आपका डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल जो आपका स्टार्टिंग पे बेसिक पे रहेगी वो 13,075 से लेकर 11,765, यानी अदरवाइज जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका TADA मिला के यहाँ टोटली होगा वो 20,000 के आसपास होगा। लेकिन अगर आप लोकल जैसे हाई मेट्रो सिटी में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, इस सब में बिलोंग करते हैं आपको 26,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और जो आपका पीरियड रहेगा ट्रेनिंग पीरियड वो 6 मंथ का रहेगा, 6 मंथ में आपका टोटल जो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। पेमेंट की बात करें एप्लीकेशन फ़ी के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। जब ऑनलाइन फी पेमेंट कीजिएगा इसको यहाँ पे नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर फी नहीं रखा गया है, बट जनरल OBC एंड EWS वालों के लिए 750 रुपया यहाँ पे चार्ज रखा गया है जो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है और नॉन रिफंडेबल है। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आप सबको पता ही है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फॉर्म का आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ही देर में आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको टोटली बताऊंगा कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, ये आप टेंशन मत लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस यहाँ पर आपके लिए एग्जाम सेंटर का कुछ यहाँ पर दिया टेबल आप देख सकते हैं। आप जो भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जो आपका एग्जाम सेंटर चूज में ऑप्शन में आएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्राइटेरिया आपके लिए दिया गया था, आप ये शो कर सकते हैं। अदरवाइज इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो गाइस ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन में, आई होप यहाँ पे आपको पूरी तरह जानकारी मिल चुकी है, समझ आ चुका होगा। फिर आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। अदरवाइज चैनल पे नए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस पर जब भी फॉर्म वाली वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।